इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो कि अपने अंदर बहुत सारी ताकतें और गुण समेटे हुए है। इस जड़ी बूटी का गुणगान आयुर्वेद में सुनहरे अक्षरों में मिलता है। सभी देशवासियों को इस जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये जड़ी बूटी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, बात करते हैं इस जड़ी बूटी के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपकी खिदमत में मैं ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। तो जी हाँ साथियों, मैं बात करने वाला हूँ अश्वगंधा की। ये वो जड़ी बूटी है जो प्राचीन काल से आयुर्वेद में इस्तेमाल होती आ रही है, और इसके अंदर जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो बड़े कमाल के हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अश्वगंधा के 7 ऐसे फ़ायदे जो कि हर घर की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए, आपके अपनों के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अश्वगंधा स्प्रे के बारे में और इसके फ़ायदे के बारे में। जो अश्वगंधा के फ़ायदे हैं, दरअसल वही फ़ायदे अश्वगंधा स्प्रे के भी हैं। तो कुछ ही मिनट आपके लूँगा वीडियो के साथ, मेरे साथ आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, एक बेहतरीन जानकारी आपके हवाले करके जाऊँगा। ये अश्वगंधा स्प्रे 100% आयुर्वेदिक है और 100% सेफ़ है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आयुष से अप्रूव्ड है, ये वेरीफाइड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है, और इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि इसका स्प्रे आपने अपने माउथ में, अपने मुंह में करना है, वो भी जीभ के नीचे, ज़बान के नीचे करना है, और 6 बार आपने इसको, 6 टाइम आपने स्प्रे करना है जीभ के नीचे, दिन में 2 बार। इस तरह करने से ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और चूंकि ये स्प्रे फॉर्म में है, इसलिए जो है ये 0 वेस्टेज है, और 100% ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल रेगुलर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका इस्तेमाल जो है 3 महीना करें, और 3 महीने के बाद 1 महीना के लिए छोड़ दें, और फिर इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है अश्वगंधा, और अश्वगंधा के इस्तेमाल से इस अश्वगंधा स्प्रे को बनाया गया है। इस अश्वगंधा स्प्रे में अश्वगंधा के साथ साथ सफ़ेद मूसली, गोखरू, कौंस का बीज और सालेप इस्तेमाल किया गया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अश्वगंधा में मेडिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो अश्वगंधा में जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, और ट्राइथिलीन ग्लूकोल भी पाया जाता है। तो ये तो रही मेडिकल प्रॉपर्टीज़। आइए अब जानते हैं कि अश्वगंधा अपने अंदर कौन से मिजाज को लेकर फिरती है, इसका मिजाज क्या है, इसकी तासीर क्या है। तो अश्वगंधा का जो मिजाज है वो गर्म है, और इसकी तासीर जो है वो खुश्क है। गर्म और खुश्क ये अपने अंदर मिजाज रखती है। तो किसी भी जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने के लिए, उसको किसी भी नुस्खे में इस्तेमाल करने के लिए, उसके मिजाज को, उसके तासीर को जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये जड़ी बूटी गर्म और खुश्क है, तो ये जो है सर्द मिजाज वालों के लिए और बलगमी मिजाज वालों के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगी। यूँ तो ये अश्वगंधा स्प्रे सभी तरह के मिजाज वालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये तो रही मेडिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके जो है तासीर के बारे में जानकारी। आइए अब जानते हैं वो 7 ऐसे रोग, 7 ऐसी परेशानियां जो घर घर में होती हैं, जिसका जानना और जिसका इलाज जानना, जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है।
सबसे पहला तो मैं यहाँ पे रखूँगा उन नौजवानों के लिए जो अभी भी शादी किया है और कुछ ही महीने बाद वो जो है शिकायत लेके खड़े हो जाते हैं। तो वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन के चिराग में तेल डालने के लिए ये अश्वगंधा स्प्रे यानी कि अश्वगंधा बड़े काम की चीज़ है। इसके इस्तेमाल से गाढ़ापन आता है और अधिकता से पैदावार होती है, जिसके ज़रिए आप जो है हर तरह से अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा उनके लिए जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट के इस्तेमाल से आप जानते हैं कितने नुकसान होते हैं लंग्स में और कितने जो है ख़तरनाक टार पैदा हो जाते हैं। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, लंग्स को, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करने के लिए अश्वगंधा स्प्रे यानी अश्वगंधा बड़े काम की चीज़ है। जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं वो अश्वगंधा स्प्रे या अश्वगंधा का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे जो है बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और उनको इसके गुण व ताकतें भी मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा शुगर के बारे में, कि शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है, आजकल देखा जाता है कि हर तीसरे घर में कोई ना कोई इसका मरीज़ मिल जाता है और एक ऐसा मूजी मर्ज है जो कि जाने का नाम नहीं लेता है। अश्वगंधा के इस्तेमाल से, इस अश्वगंधा स्प्रे के इस्तेमाल से इस मूजी मर्ज को पिछाड़ा जा सकता है और इसे अपने काबू में किया जा सकता है। चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो जो लोग हार्ट संबंधित परेशानियों से परेशान हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, ब्लॉकेज से परेशान हैं, वो अश्वगंधा का इस्तेमाल करें और या अश्वगंधा स्प्रे का इस्तेमाल करें, उनके लिए ये बहुत काम का है, बड़े काम का है। पाँचवें नंबर पर मैं बताना चाहूँगा उन बॉडी बिल्डर्स के लिए, उनके लिए जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जो ताकत पाना चाहते हैं, जो जल्दी से बूस्टर पाना चाहते हैं, तो बॉडी बिल्डर्स के लिए भी जो है अश्वगंधा बड़े कमाल की चीज़ है। इसके जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके जो ताकतें, इसके जो गुण हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी और बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी मदद हासिल होगी और वो एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अपने आप में देखेंगे। छठवें नंबर पर मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल तनाव की कमी नहीं है, मानसिक तनाव की कमी नहीं है। कोई अपने घरेलू समस्या से परेशान है, कोई बिजनेस की परेशानी से परेशान है, तो ये जो अश्वगंधा स्प्रे है, ये जो अश्वगंधा है, ये जो है एंटी स्ट्रेस भी है। ये स्ट्रेस को रिलीज करता है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है। तो अश्वगंधा के इस्तेमाल से स्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है और स्ट्रेस फ्री बना जा सकता है। वहीं पे स्ट्रेस से रिलेटेड एक चीज़ और है, नींद ना आना। तो अगर किसी को नींद ना आने की दिक्कत है या कि प्रॉपर नींद नहीं आती है या कि नींद आती भी है तो दिमाग नहीं सोता है, आंखें बंद रहती हैं, तो ऐसी केसेस में जो है अश्वगंधा स्प्रे का इस्तेमाल, अश्वगंधा का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सातवें नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, यहाँ तक कि अगर किसी तरह का प्रोटोजोआ है उसको ख़त्म करने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल, अश्वगंधा स्प्रे का इस्तेमाल बहुत उपयोगी है। किसी को नज़ला जुकाम हो जाता है और वो दवा करता रहता है, या कि किसी को नज़ला जुकाम हमेशा बना रहता है, या कि आजकल जैसी ये महामारी चली हुई है, तो ऐसे संक्रमण से बचने के लिए, संक्रमण को दूर करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो है अश्वगंधा का इस्तेमाल जो है बड़ा मददगार है और ये हर तरह के बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम है, ये हर तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए सक्षम है। तो बड़े से बड़ा बैक्टीरिया हो, छोटे से छोटा हो, जुखाम वाला हो, महामारी वाला हो, किसी भी तरह का जो है बैक्टीरिया हो, उसको ख़त्म करने के लिए ये अश्वगंधा स्प्रे और अश्वगंधा बड़े काम की चीज़ है। तो ये तो रही जो है अश्वगंधा के कुछ फ़ायदे और अश्वगंधा के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो अगर आप जो है अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो है अश्वगंधा स्प्रे का ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने घर मंगा सकते हैं। इसको आप जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे फॉलो करके आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।